नमस्कार, मेरा नाम सीता कुमारी है। मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय खंतरी चांदमाली टोला मोतीपुर जिला मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। मेरी नियुक्ति 2005 ईस्वी में हुई। जब मैं विद्यालय में योगदान दे उस टाइम मैंने देखा कि मेरे विद्यालय के बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नामांकन कराकर विद्यालय से बाहर हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं गांव समाज में जो नामांकन नहीं करा है और खास करके लड़कियां। तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ तो ऐसा करना चाहिए ताकि ये जो बच्चे नामांकन करा के बाहर है या फिर बिना नामांकन के स्कूल से बाहर है, काम काज करते हैं, उनको भी हम स्कूल में ला सके। तब मुझे लगा मुझे कोई नवाचार उपयोग में लाना चाहिए। उस समय ये नवाचार का कॉन्सेप्ट दिमाग में तो नहीं था, लेकिन नवाचार जैसा काम कुछ हम लोग कर रहे थे। नवाचार तो श्री अरबिंदो सोसाइटी के प्रशिक्षण के बाद हम लोग समझे कि नवाचार होता क्या है, जो HDFC बैंक के सौजन्य से था। तब मैंने बच्चियों को और बच्चों को, जो लोग स्कूल आ रहे थे, उनको बोला कि आप लोग अपने अपने विद्यालय, अपने अपने घर से विद्यालय में वो सारी चीजें लेके आए जो घर पे फालतू पड़ी है या फिर विद्यालय में फालतू पड़ी है जो फेंकने लायक है। तो बच्चों ने वो सब चीजें उठा के लाए, कोई कार्टून लेके आया, कोई डब्बा लेके आया, कोई पेपर लेके आया, कोई कुछ लेके आया। तो मैंने डब्बे से गमला बनाना, कार्टून से डस्टबिन बनाना और पेपर वगैरह से कटिंग करके टोपी वगैरह बनाना सिखाया। उसके साथ साथ मैंने ड्राइंग वगैरह जब बच्चे को सिखाया तो वो सारे बच्चे अपने अपने जब घर गए तो बार बार की बच्चों को बताया कि आज अपने विद्यालय में मैम ऐसे कराई है, वैसे कराई है। तो जो बच्चे घर पे बैठे हुए थे, जो ऐसे ही बिना काम के स्कूल नहीं आ रहे थे, वो लोग भी स्कूल के लिए प्रेरित हुए कि नहीं, हम स्कूल जाएंगे तो हम भी कुछ सीखेंगे। और उसके साथ ही पेरेंट्स को भी लगा कि नहीं, बच्चे स्कूल में जाएंगे तो वो सभी सीखेंगे। पढ़ाई के साथ साथ कुछ जरूरी चीजें हैं जो सीख रहे हैं, क्रिएटिविटी आएगी, उनमें कला का विकास होगा, तो बच्चे स्कूल में आने लगे। उस टाइम जब हमारे विद्यालय में बच्चे की उपस्थिति बढ़ने लगी, उसके साथ ही बच्चे में क्रिएटिविटी बढ़ने लगी, बच्चे सोचने लगे, ड्राइंग करने लगे, तरह तरह की कला का उपयोग करने लगे और कबाड़ से जुगाड़ जिसको कहते हैं वो जब करने लगे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगा कि नहीं, ये जो है नई चीज जो हम कर रहे हैं वो विद्यालय में हमेशा करते रहना चाहिए और हम आगे और ज्यादा करते रहे। और आज HDFC बैंक के सौजन्य से श्री अरबिंदो सोसाइटी के प्रशिक्षण के माध्यम से जो आज हम लोग आए हैं यहाँ नवाचार के लिए सेलेक्ट हो करके, हमें बड़ी खुशी हो रही है। और इसके लिए हम श्री अरबिंदो सोसाइटी को और HDFC बैंक को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आज हमारे बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है, आज हमारे बच्चे विद्यालय से बाहर नहीं है, गाँव के गलियों में खेल नहीं रहे हैं, बल्कि विद्यालय में आके खेल खेल में कुछ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिविटी, कुछ कला अर्जित कर रहे हैं और हमारे मन को संतुष्टि मिल रही है और मेरा शिक्षक होना आज सफल हो रहा है। इसलिए श्री अरबिंदो सोसाइटी को तहे दिल से धन्यवाद है।